हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। अगर दुश्मन हमारी जमीन की तरफ आंख उठाकर देखता है तो जमीन के साथ उसका जिगर भी जोड़। भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की नई फिल्म बॉर्डर ईद पर रिलीज हुई थी और फिल्म ने बिहार और यूपी के कुछ सेंटर्स में सलमान खान की रेस 3 को जबरदस्त टक्कर भी दी। फिल्म को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस से फिल्म की टीम बेहद खुश है, लेकिन फिल्म के लीड एक्टर निरहुआ के लिए बुरी खबर आई है। निरहुआ के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई गई है। भोजपुरी सिनेमा के पीआरओ और पत्रकार शशिकांत सिंह ने निरहुआ के साथ अपनी इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और उन पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। दर्ज करने शशिकांत जी आए यहाँ पर, तो मैंने उनकी कंप्लेंट दर्ज की और उनको एक कॉपी दी उसके ऊपर, और उसी के ऊपर हमारे जो एनसी पदक है वो जो उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने के लिए मैंने अपने ये सारी बातें हमारे वरिष्ठ सर मैनेंड आपको बताइए। कॉमेडियन कपिल शर्मा के बाद एक और सेलिब्रिटी के आपा खोने की खबर मिली है। कपिल ने जहां पत्रकार विकी लालवानी के साथ गाली गलौज की थी, वहीं इस बार भोजपुरी फिल्मों के स्वघोषित सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने पत्रकार शशिकांत सिंह को न सिर्फ गालियां दी अभी तो मुंबई पहुंचते ही उन्हें टुकड़ा टुकड़ा काटने और घर में घुस कर जान से मारने की धमकी दी है। बॉर्डर रेस 3 पे भारी है, उससे हमने बॉर्डर का कलेक्शन दे दिया था कि ये बॉर्डर का कलेक्शन है और कहीं पर ये रेस 3 पे भारी नहीं है, ये फिल्म उसी को लेकर के उन्होंने किया था। सुबह भी हमने डाला था कि ये चीजें जो है कई तरीके से ये फिल्म जो है कितना फायदा कितना नुकसान, क्या इसका प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट होने जा रहा है, उसको लेकर उसी को लेकर उन्होंने काफी मुझे गाली भी दिया, बोला घर में घुस के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं अभी बाहर हूँ आऊंगा तो तेरे को देख लूंगा। फिर मैंने उसको समझाया सर मेरे फोन पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें, आपको सुबह नहीं देता, बोले तेरे को जो करना चाहते। भोजपुरी सिनेमा के स्टार निरहुआ के इस व्यवहार के लिए पत्रकारों के हित की रक्षा करने वाली संस्था नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट महाराष्ट्र भी जमकर निषेध करती है एवं महाराष्ट्र पुलिस से NUJM की मांग है कि निरहुआ के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पत्रकारों को निशाना बना रही तमाम सेलिब्रिटीज को सबक मिल सके और आगे से कोई भी व्यक्ति पत्रकार से गलत लहजे में बात करने की हिम्मत न करे। ऐसी जानकारी NUJ महाराष्ट्र की महासचिव शीतल करदेकर ने दी है। ब्यूरो न्यूज इंडिया, अब तक मुंबई।